निकाय चुनाव खत्म होते ही बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। क्षेत्रीय बैठकें हो रही हैं और आज इन क्षेत्रीय बैठकों का अंतिम दिन है। अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है और यहाँ पर आप देखिए अवध क्षेत्र की बैठक में खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य मौजूद हैं, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा मौजूद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद हैं, अनूप गुप्ता मौजूद हैं। इधर अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, जो विधायक हैं इस पूरे अवध क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है, क्या रणनीति होगी, कैसे मिशन 80 को पूरा करना है, इन सारे मुद्दों पर ही इस अवध क्षेत्र की बैठक में आज चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल जब पूरे हो रहे हैं तो 30 मई से लेकर 30 जून तक ये पूरा कार्यक्रम होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ उत्तर प्रदेश में होंगी। यहाँ देखिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, मंत्री रजनी तिवारी मौजूद हैं, इसके अलावा राकेश प्रताप गुरु मौजूद हैं, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह मौजूद हैं, सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं। और अब उद्घाटन सत्र शुरू हो रहा है, तमाम सारे खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, किस तरह से इस चुनाव को लड़ना है, किस तरह से मिशन 80 को पूरा करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 में 17 नगर निगमों में जीत हासिल की। लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर हमें नज़र आ रही हैं, अयोध्या के नवनिर्वाचित मेयर हमें नज़र आ रहे हैं। और ये बैठक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो भी कार्यक्रम, जो भी अभियान शुरू करेगी बीजेपी, उन सारी चीज़ों पर यहाँ ही आज चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज अवध क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक है और इसमें हम अपनी पार्टी की रीतियों नीतियों को और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को किस ढंग से आगे के लिए जुटना है और हमें दिशा निर्देश संगठन की तरफ से हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। और आज ही के दिन कानपुर बुंदेलखंड की भी बैठक है, वहाँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी गए हुए हैं और यहाँ हम लोग आए हैं। दरअसल लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ तक सब जनता के बीच में रहती है और हमारी जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं केंद्र और प्रदेश की, उनको जन जन तक पहुँचाना है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको झुक कर के, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाना। आप तो जानते हैं क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, क्योंकि उनके शासनकाल में हमेशा उन लोगों ने गुंडों को, आतताइयों को, गैर कानून पसंद व्यक्ति लोगों को, बैड एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पुष्पित पल्लवित किया। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में कानून के राज की लगातार सराहना कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है जन जन तक पहुँचे हैं। लोगों का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत हम सबको समाहित करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।